أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرنامہ قرآنی سورہ مبارک ہے، آل عمران کی ایک آیت ہے، اور موضوع جو ہے زیر بحث وہ راز قدرت اور حسین. ہرچند کہ مجھے احساس ہے ابھی تک اس عنوان کے تعلق سے جس طرح میں مطالب گزارش کرنا چاہ رہا تھا گزارش نہیں کر سکا اپنی صحت کی کمزوری کے لیے، مگر کچھ اشارے ضرور ہو سکے ہیں اب تک. اور آج اس امر کی طرف ملتفت کر دوں کہ جو آیت روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اگرچہ یہ آیت بہت مختصر ہے بظاہر، لیکن اپنے مضمون اور معنی کے اعتبار سے نہایت جامعیت کی حامل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ان کے جو حرف تحقیق و تاکید ہے، اس سے گفتگو شروع کی گئی ہے کہ بے شک بتحقیق یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور یہ روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں. بظاہر کتنا سادہ بیان معلوم ہوتا ہے، لیکن ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ گویا حق سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم غور تو کرو خلقت سماوات و ارض میں. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بہت نشانیاں پوشیدہ ہیں، بہت نشانیاں ہیں اس میں. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں، اور واختلاف اللیل والنہار،
और रात के आने और दिन के जाने और दिन के आने और रात के जाने में बहुत निशानियां हैं। लआयातिन लिउलिल अल्बाब, अक्लमंदों के लिए, जौहर अक्ल रखने वालों के लिए बहुत निशानियां। जैसे ये बात कही गई तो जो बेदार जहन हैं, जो बेदार दिल हैं, उनमें शौक नहीं पैदा होगा, जस्तजू नहीं पैदा होगी कि ये किसकी आवाज़ है और कौन कह रहा है कि इसमें निशानियां हैं। तो चलो देखें तो सही क्या निशानियां हैं। पर जैसे ही आपने इस जस्तजू का आगाज़ किया कि क्या निशानियां हैं, वहीं आपका वो सफ़र शुरू हो गया जो मंजूर नज़र इलाही है। वो आपको साकित व सामित व जामिद नहीं देखना चाहता। हक सुभानहु व तआला चाहता है कि आप हमेशा हरकत जौहरी के ताबे रहें, बढ़ते रहें आगे और उठते रहें बुलंदियों की तरफ। ये आयत, ये आयात, ये निशानियाँ, ये सब असरार कुदरत हैं। बल्कि एक एक आयत और एक एक निशानी के पीछे न जाने कितने राज हैं, कुदरत पोशीदा हैं। आयात की किस्में, आयत कुरान मजीद में खुद लफ्ज़ आयत कई माना में इस्तेमाल हुआ है जिसमें से एक माना खुद मौजज़े के हैं। हम लोग इल्म कलाम की ज़बान में या उर्फ़ आम में जिसे मौजज़ा कहते हैं, कुरान उसे आयत कहता है। कुरान मजीद में लफ्ज़ मौजज़ा नहीं आया है। अलबत्ता इस रूट वर्ड से, इस मादे से और बाज़ अल्फाज आए हैं, जैसे मुअज्जिज़ीन का लफ्ज़ आया है, हैं और अल्फाज आए हैं, लेकिन ख़ुद लफ्ज़ मुअज्जिज़ा नहीं आया है इस मफहूम में जिस मफहूम में हम आप इस्तेमाल करते हैं। इस मफहूम में लफ्ज़ आयत हैं। और बार बार कुरान मजीद ने ऐलान किया कि कायनात में अल्लाह की आयतें बिखरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं अल्लाह की आयतें, अपनी वहदानियत के ताल्लुक से, अपनी हक्कानियत के ताल्लुक से, अपने कलाम कुरान मजीद की हक्कानियत के ताल्लुक से, अपने नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और उनकी हक्कानियत के ताल्लुक से, इस कायनात में हक़ सुभानहु व तआला ने बिखरी हुई निशानियों की तरफ बार बार मुतवज्जह किया है। और इन निशानियों को, बल्कि बर सबील इस्तिक़रार अगर हिम्मत हो, हौसला हो, और ये हिम्मत नहीं है तो पैदा करने की ज़रूरत है, ये हौसला नहीं है तो पैदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुभानहु व तआला की एक एक निशानी को इंसान अपने गौर व फिक्र का महवर बनाए, उसका मुतालआ करता जाए। और अगर हुब्ब इलाही का चराग रोशन है, अगर दिल में आतश इश्क इलाही मौजूद है, तो फिर इंसान सुकून से बैठ नहीं सकता जब तक कि अल्लाह सुबहानहु व तआला से मुतालिक एक एक आयत का मुताला न करे, जो कि आसान नहीं है। बल्कि हम अपनी इंसानी महदूदियतों को सामने रखकर अगर ये कहें कि मुमकिन भी नहीं है तो भी दुरुस्त हैं। मुमकिन नहीं है कि हम हक़ सुबहानहु व तआला की तमाम आयतों, तमाम निशानियों का इहाता कर सकें, एहसास कर सकें, लेकिन वो आतश शौक़, वो आतश इश्क, वो इंसान को ज़रूर मजबूर करेगी कि जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक आगे बढ़ सकें, जितनी अल्लाह की निशानियों का मुताला कर सकें, जितनी अल्लाह की आयतों का मुताला कर सकें, जितने मौजज़ात का मुताला कर सकें। और इस लिहाज से मैं एक जुमला यहाँ ठहर के अर्ज़ करूँ कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की
बड़ी निशानियों में से एक निशानी तो खुद इंसान का वजूद है, आपका वजूद, आपका वजूद भी अल्लाह सुबहानहु व तआला की एक निशानी है। वाय हो उस इंसान पर जो अपनी जहालत और नादानी और कुछ फिक्री और कुछ अंदेशी की वजह से अपनी ज़बान से अल्लाह ही का इनकार करे, जबकि उसका पूरा वजूद अल्लाह का ऐलान करता है। इंसान का पूरा वजूद तो अल्लाह का ऐलान करता है, और वही इंसान अपनी इस छोटी सी जबान से अल्लाह का इनकार करे, कैसी कैसी कजंदेशी है, कैसी कज फिक्री है, और कैसी महरूमी सी महरूमी होगी फिर उसके नतीजे में। तो इंसान खुद एक आयत इलाही, एक निशानी है अल्लाह की। वो मशहूर शेर है अरबी का, अक्सर मैं दोहरा देता हूँ कि वफ़ी कुल आयत वफ़ी कुल शैइन लहू आयत, वफ़ी कुल शैइन लहू आयत तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद। हर शय में एक निशानी ऐसी मौजूद है जो दलालत करती है कि वो ज़ाते पाक एक है, एक है। देखिए इस शेर का हुस्न ये है, वाकई ये याद रखने के काबिल है शेर। इस शेर का हुस्न ये है कि ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हर शय दलालत करती है कि कोई खालिक है, ये शायद हर शय में कोई निशानी है जो दलालत करती है कि कोई माबूद है, नहीं, वहदानियत की बात कर रही है ये बैत, वहदानियत की बात कर रही है शेर, वहदानियत की बात कर रहा है कि हर शय में एक ऐसी निशानी पाई जाती है जो दलालत करती है कि वो एक है, तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद। तो हक सुभानहु व तआला का, माबूद बरहक का, खालिक का इकरार भी इंसानी अक्ल की सआदत मंदी है, और उसकी वहदानियत का एतराफ भी इंसानी अक्ल की सआदत मंदी है। और इसीलिए मैं ये जुमला अभी कहीं अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ करूँ कि बुत परस्ती इंसानी अक्ल की तौहीन है। सनम परस्ती इंसानी अक्ल की तौहीन है। मालूमन कल रात की तकरीर में मैंने अर्ज किया था, जो यहाँ इस मजलिस के बाद मैंने गुजारिश की थी कि इस पूरी कायनात में जहाँ तक सूरज की रोशनी में जो कुछ भी नज़र आता है इन आँखों को, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे आप माबूद कह सकें। इस पूरी कायनात में, या कम से कम जहाँ तक सूरज की रोशनी में आपकी नज़र काम करती है, जो कुछ आपको नज़र आता है, इसमें कोई शय इस लायक नहीं है कि आप उसके आगे सर झुका सकें। न खुद सूरज, न सूरज की फैमिली का कोई और फर्द, न जुहरा, न मुश्तरी, न औतारिद, न ये बड़ी बड़ी अजीम शान सेलेस्टियल बॉडी, ये जो अजराम समाविया कहलाती हैं, या वो सितारे और सैारे, और या फिर इस ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़, या बड़े बड़े दरख्त, या बड़े बड़े हैवानात, या फिर आप अपने हाथों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को तराश तराश के हसीन मूर्तियाँ बना लें और फिर उसके आगे सजदा करें, मगर इससे ज़्यादा बड़ी कोई तजलील हो सकती है अक्ल इंसानी?
अक्ल इंसानी की इससे भी बड़ी कोई तजलील हो सकती है, तहकीर अक्ल इंसानी की। हाँ, ये सब चीज़ें निशानियाँ हैं, और हर शय में कोई एक ऐसी बात, ऐसा राज, ऐसा सिर पोशीदा है पूरी कायनात, पूरे आलम हस्ती में, हस्ती के तमाम मज़ाहिर में वो असरार पोशीदा हैं, वो राज है, कुदरत पोशीदा हैं, जो ज़हन इंसानी को उस हकीकत यकता और यगाना की तरफ मुल्तफित करते हैं, मुतवज्जह करते हैं, मुंतकिल करते हैं, और दिल को उसकी तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये इंसान है जो अक्सर निशानियों को देखकर गफलत बरतता है, इसलिए हम इन मजालिस में बतौर ख़ास उन निशानियों का तस्करा करते हैं जो ऐसी नाकिब निशानियां हैं जिनके आगे आके कोई भी सरकश, कोई भी ताबूत कुछ कर सकता है मगर खुदा का इनकार नहीं कर सकता। साइंसदान दिन रात आयात इलाही ही का तो मतलब करते हैं, आयात इलाहिया का मतलब करते हैं, इस नेचुरल वर्ल्ड में जो कुछ है उसकी स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, थॉरली स्टडी करते हैं, फिर भी अल्लाह का इनकार करते हैं, मगर ये आयतें खामोश रह जाती हैं। मगर ये मुमकिन नहीं है कि कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और अल्लाह की बात शुरू हो और फिर वो उठ के चला जाए, अल्लाह का मुनकिर ही रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के महज़र में आए और फिर वो गुफ्तगू करे, मनाजरा करे और फिर मुलहिद का मुलहिद रह जाए। ये मुमकिन नहीं है कि कोई हसन और हुसैन के सामने आए, गुफ्तगू करे और फिर भी दहरिये का दहरिया रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए एक कुरान नहीं बल्कि इस आलम हस्ती में जितनी अल्लाह सुबहानहु व तआला की आयतें हैं सब सामित हैं, और ये वो हैं जिन्हें अल्लाह की नाकिब निशानियां कहते हैं। ये अल्लाह की नाकिब निशानियां, मुमकिन नहीं है कि इनके सामने कोई आके हक का या हकीकत का या हक के किसी इस्म का या हक की किसी सिफत का इनकार करके गुजर जाए, मुमकिन नहीं। ये याद रखिए, कल भी मैंने ये बात इशारतन अर्ज की थी और आज भी मुतवज्जह कर दूं कि इस कायनात का मुतालआ करने के लिए आपको कुरान हकीम ने हुक्म दिया है, हर चीज़ का मुतालआ कीजिए, यानी साइंसी उलूम नेचुरल साइंसेस में खूब काम कीजिए, अपने बच्चों को, जो ख्वातीन मेरी बातें सुन रही हैं, जो मर्द मेरी बातें सुन रहे हैं, वो याद रखें कुरान मजीद का हुक्म है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से फ़र्ज़ है, सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानिब से आप पर यह फरीज़ा आयद किया गया है कि आप अपने बच्चों को, खुद आप और आप अपने बच्चों को नेचुरल साइंसेस के मुताले की तरफ ले जाएं, साइंटिस्ट बनाएं, ज़मीन से आसमान तक, स्पेस से मुताल्लिक जो साइंसेस हैं उनमें, ज़मीन से मुताल्लिक जो साइंसेस हैं उनमें, साइंसी मौजूआत पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करें,
फरीजा समझ कर, इबादत समझ कर, जैसे एक परहेजगार इंसान नमाज पढ़ता है फरीजा समझ कर, रोज़ा रखता है फरीजा समझ कर, हज करता है फरीजा समझ कर, उसी तरह फिजिक्स पढ़िए और पढ़ाइए फरीजा समझ कर, केमिस्ट्री पढ़िए और पढ़ाइए फरीजा समझ कर, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेस, ये सब पढ़िए और पढ़ाइए फरीजा समझ कर। और हुजूर की आरजू को पूरा कीजिए, मिल्लते उम्मते सलमान फारसी के नक्श कदम पर आगे बढ़िए। मैंने उम्मत सलमान फारसी कह दिया ताकि आसानी से ज़हनों तक बात पहुंच जाए, वरना हजरत सलमान को सलमान फारसी कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने नस्बत बदल दी थी, इसलिए सलमान सलमान मुहम्मदी है। क्या शीरी, क्या शीरी वो वाक़या है, क्या लतीफ़ वो वाक़या है कि जिसमें किसी ने नऊज़ु बिल्लाह अरबी नखवत के तहत पूछा, सलमान तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तुम्हारा नसब क्या है? तो सलमान ने फ़ख्र से कहा, अना सलमान इब्न इस्लाम, मैं सलमान हूँ फरजंद इस्लाम। ये किसमें कितना बड़ा दर्स पोशीदा है। आप कहीं के हों, हिंदी हों, चीनी हों, जापानी हों, अमेरिकी हों, अरब हों, ईरानी हों, आपको इब्ने इस्लाम होना चाहिए, आदमी होने की हैसियत से, इब्ने आदम होने से ज़्यादा बड़ा शरफ आपके लिए है इंसान होने की हैसियत से इब्ने इस्लाम होना। कितनी अजीम निस्बत है। और जब आप इब्ने इस्लाम बनेंगे तो मालूम है क्या एहतराम मिलेगा आपको, किस मुकद्दस हलके में दाखिल हो जाएंगे। जब इंसान अपने पूरे वजूद के साथ खुद को इब्ने इस्लाम बना लेगा तो जो अबुल इस्लाम है वो कहेगा, हाजा मिन्ना अहलल बैत, ये तो हम अहले बैत में से है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बहरहाल तो एक तो ये कि साइंस का मुताला कीजिए संजीदगी से, दूसरी बात ये दो जाविये हैं, ये दो सोर्सेज हैं, एक तरफ है साइंस इंसानी कोशिशों के नतीजे में उलूम का सरमाया, और एक तरफ है वही, वही इलाही। बहुत पहले मुझे याद आता है छोटा सा कोई दर्स था, उसमें मैंने अर्ज किया था कि इंसान अपनी अक्ल की रोशनी में जितना सफ़र तय करता है, जहाँ तक अक्ल की रोशनी काम आती है काम आती है, जहाँ अक्ल की रोशनी काम नहीं आती वहाँ अक्ल को जो शय रोशनी दिखाती है वो वही है, वो वही है इलाही। इसलिए आप जो अपनी इंसानी कोशिशों से राज़हाए कुदरत डिस्कवर करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपसे ख़ता मुमकिन है, ख़ताए इज्तिहादी हर जगह मुमकिन है, लेकिन जब उधर से कोई नबा लेकर आता है, उधर से कोई ख़बर लेकर आता है, उधर से जो वही आती है खालिक़े कायनात की तरफ से जो राज मुनकशिफ किए जाते हैं उसमें ख़ता का इम्कान नहीं है, उसमें ख़ता का इम्कान नहीं है। ये और बात है कि वो, और इसीलिए हक़ सुबहानहु व तआला ने अपनी तरफ से आने वाले पैगंबरों के लिए भी एक कुछ निशानियां तो ये हैं जो उसकी ज़ात और वहदानियत पे दलालत करती हैं, लेकिन कुछ निशानियां वो हैं कि जो उसकी तरफ से आने वाली शख्सियतों की सदाकत पर दलालत करती हैं। चनानचे
जो लोग मौजज़ात का इनकार करते हैं उनके लिए ये एक नुक्ता ही बहुत अहम है कि भाई यूँ तो दुनिया में कोई भी उठ के कह दे मैं नबी हूँ, कहीं से भी उठ जाए, आपके पंजाब से उठ जाए, आपके सिंध से उठ जाए, आपके बंगाल से उठ जाए, कोई तेहरान से उठ जाए, कोई वो साल्ट लेक सिटी अमेरिका से उठ जाए, कहीं से जिसका दिल चाहे वो उठ जाए, कहते मैं नबी हूं, मेरे ऊपर वही नाजिल हुई है, आप मान लेंगे? अगर आपने मान लिया तो मालूम है क्या होगा, आप इंसानी फितरत से खारिज हो जाएंगे, आप कुछ भी होंगे इंसान कहलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। यूं ही एक शख्स ने कह दिया मैं नबी हूं, आपने ईमान तस्दीक कर दी उसकी और आप उस पर ईमान ले आए। ये लाजिम है कि जब भी कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से ओहदा रखता हूं, मनसब रखता हूं, तो आप उससे उसकी सनद दरियाफ्त करें। अब आमतौर पर तालीमी मराहल में ये मिसालें दी जाती हैं, चलिए मैं पहले दे चुका हूँ मैं भी, और इस वक्त भी दोहरा देता हूँ ताकि बच्चों नौजवानों के लिए एक मिसाल रहे, एक आम मिसाल है। मिसालें तो आमतौर पर आम होती हैं। इंग्लैंड का कोई शख्स यूके का भारत चला जाए और एयरपोर्ट पे उतर के कहे कि मैं एम्बेसडर बना के भेजा गया हूँ, कोई नहीं, तो ये भारत का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है मान लेगा? वो कहेगा जनाब वो एम्बेसडर के कुछ खास कागजात होते हैं, वो दिखाइए तो हम मान लेंगे। ऐसे ही आप चले आए और आपने कहा कि मैं एम्बेसडर हूँ तो हम मान लेंगे। ऐसे ही कहीं का कोई शख्स आ जाए, भारत से कोई उठ के चला जाए इंग्लैंड और हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतर के कहे कि मैं एम्बेसडर हूँ, नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे भेजा है एम्बेसडर बनाकर, तो वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो मान लेगा या वहाँ की गवर्नमेंट मान लेगी? ना आवाम ना खवास, ना गवर्नमेंट ना पब्लिक, कोई तस्लीम नहीं करेगी। तो आप एक कंट्री के एम्बेसडर को ऐसे ही नहीं तस्लीम करते, और अल्लाह की तरफ से जिसका जी चाहे उठ के कह दे मैं नबी हूँ और आप तस्लीम कर लेंगे? वहाँ लाजिम है कि आप उसकी नबूवत, उसकी रिसालत, या अगर कोई कहे मैं अल्लाह की तरफ से इमाम हूँ तो फिर उसकी इमामत की सनद, गवाही, सर्टिफिकेट तलब करें। इसी गवाही, इसी सर्टिफिकेट, इसी निशानी का नाम है मौजज़ा। क्यों मौजज़ा ही क्यों? यानी सिर्फ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर, अच्छी सीरत, अच्छा तौर तरीक काफ़ी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये साहब बहुत अच्छे हैं, बचपन से मैं जानता हूँ, कभी इन्होंने ज़बान से एक कलमा झूठ नहीं कहा, और कभी किसी मुहमल किस्म के खेल में मशगूल नहीं हुए, कोई बेहुदा बात नहीं की इन्होंने, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये रसूल है अल्लाह के, ये बात माकूल होगी। कितना ही इंसान खुश सीरत हो, कितना ही इंसान खुश फिक्र हो, आलिम हो, फाजिल हो, सब कुछ हो, मगर हम उसे अल्लाह का रसूल नहीं कह सकते। अल्लाह का रसूल होने के लिए कोई ऐसी ही निशानी होनी चाहिए जिस पर सबको यकीन आ जाए कि ये खुद साख्ता नहीं है, ये खुदा साख्ता है। इसे इसने खुद इद्दिया नहीं किया है, खुद दावा नहीं किया है, और इसके ख़ानदान ने इसको हुकूमत और सल्तनत हासिल करने के लिए नहीं बनाया है, और इसके मुल्क और माशरे के लोगों ने, इसके कबीले के लोगों ने, इसकी कौम ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसे खुदा ही ने बनाया।
खुदा ही ने बनाया है, ये साबित होने के लिए ज़रूरी है कि वो अमल सादिर हो जो किसी इंसान के बस में ना हो, जिसके आगे हर इंसान आजिज़ हो जाए, उसी को कहते हैं मौजज़ा। वो बात जो आजिज़ कर दे उसे कहते हैं मौजज़ा। इस मौजज़े में भी असरारे कुदरत ज़ाहिर होते हैं, उलमा भी असरारे कुदरत ज़ाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ मौजज़े में भी असरारे कुदरत ज़ाहिर होते हैं। और ये असरारे कुदरत चूँकि बिला वास्ते इंसान ज़ाहिर होते हैं, इसलिए यकीन हो जाता है कि कोई और ताकत है जिसने इसे भेजा है। आगाज इसका वही से होता है, खुद वही मौजज़ा है, लेकिन वही चूंकि हर इंसान जिब्राइल को नहीं देख सकता, इसलिए वही जब नाजिल होती है तो खुद जिस पर वही नाजिल होती है वो तस्दीक करता है कि ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। और इसलिए जब वो गुफ्तगू करता है तो उसके लहजे में वो सच्चाई और वो यकीन की शिद्दत पाई जाती है, वो यकीन की चमक पाई जाती है, कि उसका यकीन और उसकी सदाकत बजाय खुद एक अवीन निशानी होती है कि ये बात ऐसी कोई मामूली नहीं है जो ये अपने दिल से कह रहा है, ये कुछ पैगाम है जो पहुंचा रहा है। यहां पर ठहर कर मुझे कहने तो कुछ और जा रहा था, लेकिन एकदम से हजरत हाफिज का एक शेर याद आ रहा है, आप हजरत एक सलावत पढ़ें तो मैं ये वही की शान एजाजी की तरफ इशारा है। ये न समझिए कि इसमें उम्मीद की तफसीर है सिर्फ। हाफिज की एक बड़ी खूबसूरत नातिया गजल है, मैं समझता हूँ पूरी की पूरी अपने उसलूब में, ज़ाहिर तगज़ुल के उसलूब में, जिसमें उन्होंने कहा है निगार मन के बे मकतब न रफ्तो खत न निवेश्त, निगार मन के बे मकतब न रफ्तो खत न निवेश्त, बे गमज़े मसअले आमूज़े सद मुदर्रिस शुद। अरे मेरा माशूक तो वो है कि जो न मदरसे गया न एक हर्फ लिखा अपने हाथों से, मगर एक चश्मे करम के इशारे से वो सारी दुनिया का मुअल्लिम बन गया। तो ये एक हकीकत है, इसमें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है कि उम्मीद के मानी है कि वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, वो पढ़ने कहीं गए नहीं, उन्होंने कुछ अपने हाथ से लिखा नहीं, और उसके बावजूद वो पूरे आलम के उस्ताद हो गए, मुअल्लिम कायनात मुअल्लिम इंसानियत हो गए, बफैज़े चश्मे करम इलाही बफैज़े वही इलाही। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और बातें तो अभी बिल्कुल तमहीदी मराहिल में हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही के बारे में भी जो आम तौर पर मुसलमानों ने रिवायतें लिखी हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। कुरान मजीद से भी उन रिवायतों की तस्दीक नहीं होती, और तारीखी कराइन से भी तस्दीक नहीं होती, अक्ल इंसानी भी तस्दीक नहीं करती कि जनाब वाला जब पहली बार जिब्राइल नाजिल हुए तो नऊज़ु बिल्लाह पैगंबर भी उन्हें पहचान नहीं सके, और जब उन्होंने पैगाम सुनाया तो वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास आए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास, और लरज रहे थे, कांप रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान से थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि
कि वो कौन था, फरिश्ता था कि शैतान था। नऊज़ुबिल्लाह, जरा देखिए। तो मैं मजबूर हूँ हवाला देने पर, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर समझे जाते हैं और थे दुनियावी एतबार से, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब, सीरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से मुतालिक उनके खुतबात भावलपुर बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं, काफ़ी ज़खीम किताब छाया भी हो गई है। और उनकी तकरीरें भी, वो जो खुतबात दिए हैं उन्होंने, तो वो उनकी आवाज़ में भी महफूज हैं। उसमें इतना मुझे हैरत यही होती है, और फिर इसीलिए मैं किसी को स्कॉलर और इस्लामी स्कॉलर कहने में बड़ी एहतियात करता हूँ कि उनके ज़बान से ये लफ्ज़ सुन के ऐसी तकलीफ़ हुई मुझे। यानी ये जो लफ्ज़ शैतान था, पता नहीं फरिश्ता है कि शैतान है, हुजूर कह रहे हैं पता नहीं फरिश्ता है कि शैतान है, भला बताइए मुसलमानों ने क्या हक अदा किया है अपने रसूल की सीरत निगारी का, क्या हक अदा किया। अल्लाह सुबहानहु व तआला अगर आम इंसानों से कह रहा है कि मेरे नबी को उस वक्त तक नबी न मानो जब तक कि वो मुअज्जज़ा न पेश कर दे, तो जिसको नबी बना रहा है उसको क्या कोई ऐसी दलील नहीं देगा कि जब मेरी तरफ से कोई फरिश्ता आए तो उसको समझो कि वो मेरी तरफ से भेजा हुआ है। एक नहीं, एक लम्हे नहीं, दो लम्हे नहीं, कई रोज तक, एक अरसे तक ये कैफियत रही कि पैगंबर तजब्जुब में रहे। और उसके बाद मैं क्या अर्ज करूं, देखिए वक्त बिल्कुल महदूद है यहाँ पर, और दूसरी तरफ से मेरी तबीयत बहुत ही, मैं तकरीर करने के काबिल नहीं था, ये तो मुंतज़मीन की गलती है कि उन्होंने इंतखाब मेरा ही किया। और अब जाहिर है कि फरीजा है तो पूरा करना है, तो ये मतालिबा अर्ज कर रहा हूँ। एक तरफ वही की कैफियत, और दूसरी तरफ जब ये बार हुजूर के ऊपर आ गया तो यहाँ तक रिवायत है कि जनाब वाला हुजूर ने एक मतलब नऊज़ु बिल्लाह, सद हज़ार बार नऊज़ु बिल्लाह, ये सब रिवायतें नऊज़ु बिल्लाह कस्म की हैं। तो इकट्ठा बैठ के एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा नऊज़ु बिल्लाह कि हुजूर ने एक मरतबा पहाड़ की बुलंदी पर जाकर और नऊज़ु बिल्लाह क्या किया, खुदकुशी करना चाहिए, इंतहार चाह के खुद को पहाड़ से गिरा दें, ख़त्म हो जाए। استغفر الله ربي واتوب اليه हज़ार बार सही सही किताबों में क्या गलत गलत बातें लिखी होंगी। खैर, हमें इन रिवायतों से ज़रा बराबर सरोकार नहीं है, और ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि किसी पर तंज करना मकसूद हो। इन रिवायतों का मानना भी अक्ल इंसानी की उतनी ही बड़ी तौहीन है जैसे बुत परस्ती। अभी मैंने अर्ज किया था ना, अक्ल इंसानी की इससे बड़ी तजलील, तहकीर और तौहीन नहीं हो सकती कि वो बुत परस्ती करे। इंसान इंसान जिसे अल्लाह ने सरफराज बनाया, हर जानवर को आपने देखा होगा उसका सर झुका हुआ होता है, इल्ला इंसान, कि वो सरफराज है, अल्लाह ने उसका सर बुलंद किया है। आप अल्लाह के अलावा किसी के आगे ये सर ना झुकाएं, यही कदरदानी है उसकी, उसका शुक्राना यही कि माबूद तूने सरफराज बनाया है तो अब तेरे आगे तो ये सर जरूर झुकेगा, मगर तेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकेगा। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत अपनी जगह मुसल्लम है, और जिब्राइल को हुजूर ने पहचाने। आपके सामने कोई बच्चा पैदा हो, कितना ही बड़ा हो जाए, आप उसे पहचानेंगे नहीं? हुजूर का नूर कब खल्क हुआ? हुजूर
جو اس عالم ہستی میں تعین اول کی حیثیت رکھتے ہیں, حقیقت محمدیہ, نور مصطفیہ, جو فرمانے والے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا, جس شے کو خلق کیا, جس مخلوق کو خلق کیا, وہ میرا نور ہے. اس کا مطلب اس کے بعد جو کچھ ہے سب اس کے بعد ہے, اس کے بعد ہے. تو جبرائیل کی خلقت خلقت مصطفیٰ کے بعد, جس کی خلقت بعد میں ہوئی ہو اس کو پہچاننے میں حضور کو شبہ ہوگا. بہرحال یہ تو ایک وہ دلیل ہے, دلیل ہے, اسے دلیل خطابی نہیں ہے, لیکن جو اس بزم سے مناسبت رکھتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ دلائل کی کمی نہیں ہے. تو نہ یہ کہ حضور جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے, بلکہ جبرائیل جب آتے تھے تو کس شان سے بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب آتے تھے تو حضور کے آگے, یعنی محمد ابن عبداللہ کے آگے, در یتیم عبداللہ در یتیم آمنہ کے آگے, یعنی حضرت ابو طالب کی آغوش کے پالے کے سامنے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ایک غلام ایک آقا کے سامنے بیٹھتا. یہ شان مصطفیٰ, یہ شان مصطفیٰ کے جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ امین وحی الہی, مگر حضور کے آگے بیٹھتے ہیں کیسے؟ جیسے ایک غلام ایک آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. ہمارے آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین جناب سید الشہداء کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے, کسی شخص نے راستے میں مکے اور کربلا کے راستے میں ملاقات کی, حضرت سے گفتگو کی, تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے میں میرے گھر پہ آ کے مجھ سے ملتے تو میں تمہیں جبرائیل کے آنے جانے کے نشانات دکھا دیتا. میں تمہیں جبرائیل کے آنے جانے کے نشانات دکھا دیتا. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور آپ کی نبوت اور شان اعجاز, آپ کے ذریعے سے جو اسرار قدرت رازہائے پنہاں اشکارا ہوئے وہ بھی بہت ہیں, جو آپ کی نبوت پہ بھی دلالت کرتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی, اور ذہن انسانی کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو جو تم قد و کوشش و کاوش کرتے ہو, اسٹڈی کرتے ہو, ریسرچ کرتے ہو, مطالعہ کرتے ہو, علم حاصل کرتے ہو, اس کے مقابلے میں بھی ایک سورس ہے, ایک ذریعہ اور ہے رازہائے قدرت کو آشکار کرنے, وہ ہے وحی کا ذریعہ, وہ ہے نبوت, وہ ہے امامت, وہ ہے کلام حق, وہ ہے قرآن. اب یہ بہت بڑا موضوع ہے بجائے خود, اسی لیے سوکریٹس اور پلیٹو سے بھی پہلے اور اس وقت بھی اور آج تک بھی ایسے مکاتب موجود ہیں جو انسانوں کو علم کے اسرار حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس اور صفائے قلب کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ذریعہ یہ کہ آپ خوب محنت کیجئے, لکھیے, پڑھیے, رٹیے, یاد کیجئے, تجربہ کیجئے, ایکسپریمنٹ کیجئے. ساتھ میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئینہ قلب پر جلا کیجئے, آئینہ دل صاف ہو. جتنا آئینہ دل صاف ہوگا اتنے ہی اسرار قدرت آشکارا ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نبی ہو جائیں گے, یہ نہیں کہ آپ رسول ہو جائیں گے, لیکن دل کا آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنے ہی قدرت کے راز آپ کے دل پر آشکار ہوں گے. اور اگر دونوں محنتیں یکجا ہو جائیں, علمی اجتہاد بھی ہو
اور تزکیہ، سیر و سلوک، صفائے قلب بھی ہو، ذہن بھی صاف ہو، تو پھر کیسی شخصیتیں بنیں گی؟ پھر ایسی شخصیتیں بنیں گی کہ یہ شخصیتیں اپنی ذات سے نبی اور امام کی طرف دلالت کریں گی، یہ بتائیں گی کہ اگر ہم ایسے ہیں تو سمجھ لو ہمارے امام کیسے ہوں گے، ہم ایسے ہیں تو سمجھ لو ہمارے رسول کیسے ہوں گے. جیسے رسول یہ بتاتے ہیں کہ ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں بس سمجھ لو کہ وہ خدا اور معبود کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب کسی کو تردد ہو یا نہ ہو، میں تو بے دریغ نام لے سکتا ہوں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے اور ان ہوٹوں سے ایسے ہاتھوں کو بوسا دیا ہے کہ جو اپنے وجود سے دلالت کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایسے ہیں تو امام معصوم کیسا ہو. واقعی مجھے بہت فخر ہے کہ میں نجف اشرف میں ایک دو مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے حضرت امام خمینی کے دست مبارک کو بوسا دیا، اور وہ بھی کہاں؟ حرم امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ منحصر بے فرد شخصیت اپنے لحاظ سے تو ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تسلسل ہے علماء کا، مرجعیت کا، یہ بہت زرین تسلسل ہے، اس سے غفلت نہ کریں. یہ وہ علماء اعلام ہیں جو فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، عارف بھی ہیں، جن کے ہاں اجتہاد بھی ہے یعنی انسانی قد و کاوش، اور جہاں صفائے قلب بھی ہے کہ جہاں واقعاً اسرار الہی منکشف ہوتے ہیں اور معصوم کی چشم کرم ان پر ہوتی ہیں. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، میں بہت سی کڑیاں حذف کرنا اس میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ بچے بڑے بزرگ جو مجلسیں سنتے آ رہے ہیں وہ تو ایک لفظ سن کے نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آخری مطلب تک پہنچ جاتے ہیں. بچوں کے لیے مشکل ہے، حالانکہ ان کے لیے تو مشکل در مشکل ہے، میری زبان ہی مشکل ہے. یہ کام آپ حضرات کا ہے کہ ان بچوں کو، ان مطالب کو ان کی زبان میں سمجھائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے. ان بہرحال اختتام مجلس سے قریب آنے کے لیے جو مقدمات عرض کر سکتا ہوں بس اب انہی پر اکتفا کروں گا کہ نبی کے واسطے سے، وحی الہی کے واسطے سے اور الہام کے واسطے سے جو رازہائے قدرت منکشف ہوتے ہیں ان پر، وہ بھی بے شمار ہیں، اور بہت سے راز، بہت سے اسرار، بہت سے آیات وہ ہیں جو مستقبل انسانی سے متعلق ہیں. مثلا کون، کب، کس وقت، کس جگہ پر، کس کیفیت میں دنیا سے جائے گا، کون بتا سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، بہت ترقی کی ہے میڈیکل سائنس نے، انٹرنل میڈیسن کے شعبے نے بھی اور سرجری کے شعبے نے بھی بہت ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر کوئی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اور اس کیفیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا؟ جب یہ جا رہا ہوگا تو کون سا لفظ زبان پر ہوگا، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور مانا، اور اب اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص جب اس دنیا سے جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ جب یہ جب تک اس کے گلے میں صلیب نہ ڈال دی جائے اس وقت تک یہ دنیا نہیں چھوڑے گا، اور یہ بات ہو کر رہے، یا اور اسی طرح. اب بس وقت میں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی و الہام الہی کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو ملا تھا وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ودیعت فرمایا، اور اس میں سے بہت سے اسرار اس قبیل کے تھے کہ ان کو معصومین نے ایک جگہ مدون کر کے اس کا نام رکھا علم منایا،
علم منایا, منایا منیہ کی جمع ہے یعنی موت. کب, کس کی, کہاں, کس طرح موت واقع ہوگی, یہ پورا علم اور مستقبل کے واقعات. یہ سرکار رسالت مآب کو بھی علم تھا, امیر المومنین کو بھی علم تھا, اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض شاگردوں کو بھی اس میں سے تھوڑا سا علم دیا تھا, جیسے حضرت میسا متمار کو, جیسے حضرت رشید حجری کو, حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں, بہت بڑے مفسر کہلاتے ہیں, اور انہیں بھی شاگردی حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شرف حاصل ہے, مگر شاگردوں کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں. خود میثم جو کہ بنی ہاشم سے نہیں ہے, غلام تھے کسی کے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے میثم کو دیکھا, چہرہ دیکھا, آنکھیں دیکھیں اور پہچان لیا کہ اس میں کیا جوہر پوشیدہ ہے. میثم کو خریدا اور آزاد کر دیا. عبداللہ ابن عباس بنی ہاشم میں سے ہیں, چچیرے بھائی ہیں, لیکن معلوم ہے کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے, اس لیے ان کو جو بتانا تھا وہ بتا دیا, ان کو جو بتانا تھا وہ ان کو بتایا. اب یہ روایت موجود ہے کہ حضرت میثم خود آئے ایک دن, کہنے لیں گے عبداللہ ابن عباس جو کچھ سینے میں ہے جی چاہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا تمہیں بتا دوں, لو کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور لکھتے جاؤ. انہوں نے لکھنا شروع کیا, پہلے تو خوشی خوشی, اس کے بعد گھبراہٹ شروع ہوئی, پھر حیرت شروع ہوئی, پھر اضطراب شروع ہوا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ کہا میثم تم کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا بیان کر رہے ہو, اور وہ کاغذ اپنے ہاتھوں سے خود پھاڑ دیا. برداشت نہ کر سکے, تحمل نہیں تھا, اور میثم مسکراتے رہے. اور اس موقع پر میثم نے جو انہیں واقعہ کربلا کی اطلاع دی اور کہا عبداللہ ابن عباس آقا حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے اور تم ان کا ساتھ نہیں دو گے اور زندہ رہو گے. اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا, اور آپ؟ کہا میں حسین سے پہلے شہید ہو جاؤں گا. بس بہت سی باتیں رہ گئیں, اور یہی ہوا تاریخ میں کہ جناب میثم کی شہادت پہلے واقع ہو گئی, کربلا سے پہلے, عاشور سے پہلے. لیکن آج جس تذکرے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ایک اور نام ہے, اور انہیں بھی جناب امیر المومنین نے بہت سے اسرار, بہت سے رازہائے قدرت ودیعت فرمائے تھے, تعلیم فرمائے تھے, اور ان کا نام تھا حبیب ابن مظاہر. حبیب جب کربلا آئے ہیں تو معلوم ہے نا, بس اقدام نے وقت میں گنجائش نہیں. میں آج جی چاہتا تھا کہ دل کھول کے حبیب کے مسائل پڑھوں, مگر اب جو چند منٹ رہ گئے ہیں اس میں جو کچھ عرض کر سکوں گا. حبیب کا بڑا مرتبہ ہے, حبیب ان میں سے ہیں جنہیں محفوظ عن الخطا کہا جا سکتا ہے. انسانوں کی وہ ایک سطح جو معصوموں کے نیچے ہوتی ہے, جن سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہوگی, اور خطاؤں سے روکنے والی قوت ان میں سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے؟ عشق علی, عشق رسول, عشق اللہ. یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جو انہیں خطاؤں سے, غلطیوں سے روکتی ہے. زندگی میں کوئی ایک بات آپ ایسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کیا, یہ خطا ہو گئی, یہ بھول ہو گئی, نہیں. بڑا مرتبہ ہے حبیب کا. اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا کہ آقا, امام, معصوم, سبط رسول, صاحب اسرار خدا ان کو خط لکھیں تو کہیں ایلا رجل الفقیر, رجل فقیر, فقیر, امام کسی کو فقیر کہیں, کتنا بڑا مرتبہ. اور پھر ان کی سیرت و سوانح تو خیر بہت وسیع ہے, لیکن ان کی جو شریک حیات مومنہ تھی وہ خاتون مکرمہ بھی بڑی بلند پایا تھی.
मैंने एक किताब में खुद ये रिवायत देखी कि दो मुहर्रम की शब उस मुकर्रमा ने ख्वाब में जनाब जहरा को देखा और जनाब जहरा ने बस उस मुकर्रमा से एक फकरा कहा, हबीब से कहो अपने महासिन का खिताब कर लें, यानी अपनी दाढ़ी पे खिताब कर लें। अब इस मुकर्रमा की जहानत यह है, ये समझ गई कि मेरा शौहर शहीद होने वाला है, उसके खून से उसकी दाढ़ी खिताब होगी, इसलिए कि अभी उम्र नहीं है इनकी, बहुत सिन रसीदा है, ये उम्र नहीं है कि ये खिताब करें। और बीवी के कहने का या क्या मकसद हो सकता है, दुनियावी हुस्न जीनत की बात नहीं है, बीवी तो जब भी हुस्न जीनत की बात करेंगी तो वो अखरवी और बहिश्त और जन्नत खुल्द की बात करेंगी, और वहां सबसे बड़ी जीनत तो शहादा के खून की जीनत है। हबीब चनांचे आका हुसैन का जिस वक्त नामबर पहुंचा है, कहते हैं कि दोपहर का वक्त था और हबीब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, पास में बेटा भी था कासिम और जौजा थी, लेकिन जैसे किसी का हाथ खाने की तरफ बढ़ नहीं रहा था। हबीब ने जौजा से कहा कि दस्तरखान लगा हुआ है तो फिर खाना शुरू करना चाहिए। जौजा ने कहा मुझे जैसे कुछ इंतजार सा है, मेरा दिल कह रहा है कोई आने वाला है। और तुम्हें किसका इंतजार है? मेरा दिल कह रहा है हुसैन इब्ने अली का कासिद आ रहा है। हबीब ने कहा हुसैन का कासिद आ रहा है, तुम्हें कैसे अंदाजा? अभी नहीं जिक्र किया, बाद में ख्वाब का तस्करा किया, लेकिन जैसे ये मुकालिमा हो ही रहा था किसी ने दक्कुल बाग किया, हबीब उठकर मुस्तरबाना दरवाजे की तरफ गए, देखा कोई शख्स है, कौन हो? कहा ना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन इब्न अली का कासिद हूं, तुम्हारे लिए खत लाया हूं। खत खोला, पढ़ा, आंखों से लगाया, बोसा दिया, खूब गिरिया किया, और गिरिया इस अम्र में किया, आ वो वक्त आ गया कि इस कायनात का मददगार मुझे मदद के लिए तलब है। बस मुख्तसर कर रहा हूं जुमले, मुख्तसर, वक्त तमाम हुआ, वक्त तमाम हुआ। आप सब सुनते रहते हैं वाकयात, जिन वाकयात का तस्करा कम होता है मैं बस उसकी तरफ इशारा करूंगा। हबीब रुखसत हुए, अपने गुलाम को भी साथ ले गए, गुलाम की दरख्वास्त पर करबला पहुंचे, और ये जुमला तो आप अक्सर सुनते हैं और हमेशा सर पीटते हैं ना। जब करबला पहुंचे, आका हुसैन के महजर में बैठे ही थे कि खैमे के अंदर से कोई आया, एक कनीज आई और उसने कहा हबीब आ गए। आका अंदर से खैमे से फातिमा की बेटी जैनब ने हबीब को सलाम, बस यहां ठहर कर उमूमन ये बात नहीं गुजारिश की जाती है जो तसलसुल कलाम में भी है, और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिवायत पढ़ी किताब में, इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ। जैसे ही हबीब को बीबी जैनब का सलाम पहुंचा, वैसे ही हबीब ने आका हुसैन को देखा, कहा आका इजाजत है कि मैं दर खैमा तक जाऊं? इजाजत है कि मैं खैमे के दरवाजे तक जाऊं और मैं बीबी से कुछ अर्ज अदब करना चाहता हूं? कहा हबीब जाओ, तुम्हारा रुतबा यह है, तुम जाओ, तुम जैनब से गुफ्तगू कर सकते हो, जाओ। हबीब दरवाजे पर आए, खैमे के दरवाजे पर, इधर बीबी जैनब है, उधर हबीब। एक मरतबा सर से अमामा उतारा, जमीन से खाक उठाई,
सर पे डालना शुरू, कभी भी अब ये दिन आ गया कि आप मुझे सलाम करें। हाँ बीबी मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या कैफियत है, आपको आका हुसैन की फिक्र है, आपको आका हुसैन की फिक्र है। बीबी मेरा दिल चाहता है मेरे सीने में कुछ राज पोशीदा है, कुछ बातें आपके बाबा अली ने मुझे बताई थी, आज मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ और उज़्र खाही करना चाहता हूँ, आपसे पेशी माफी चाहता हूँ। बीबी ने कहा हाँ बताओ। देखिए असरार तो सबको मालूम थे, बीबी जैनब को भी मालूम थे, आका हुसैन को भी मालूम थे, लेकिन ये हबीब थे, ये हबीब थे। इन्होंने अपने अंदाज से इसका इजहार इस मौके पर किया, कहा बीबी मैं जो आपसे माफी चाहता हूँ इस बात की, मैं आज रोजे आशूर आका का साथ दूंगा और आका से कुर्बान हो जाऊंगा, मैं आज शहीद हो जाऊंगा। मुझे फिक्र यह है कि बाद में जब आपके बाजुओं में रसन बनेगी उस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, काश मुझे अल्लाह एक जिंदगी और देता। काश खुदा मुझे जिंदगी देता, मैं आका हुसैन को कुर्बान होने के बाद फिर जी जाता और फिर आपके बाजुओं में रसन बांधने वालों से जंग करता, जिहाद करता, आपका साथ देता। बीबी गिरिया फरमाती रही, हबीब अपना मारूजा पेश करते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं, बस एक फकरा और अर्ज कर लेने दें, बहुत सी बातें रह गई हबीब के तस्करे में, लेकिन बस हबीब ने रोज आशूरा वाकई आका हुसैन के सामने खूब जिहाद किया और हर तरह का जिहाद किया, जबान से भी, दिल से भी, तलवार से भी। हबीब का जिहाद, हबीब का मुजाहदा बहुत अजीम शान है। और उस बुढ़ापे में जाहिरी एतबार से बूढ़े हबीब, ज़ईफ हबीब, उस वक्त बाज़ रिवायतों में कि आपने अपनी तलवार से तकरीबन 60 नामी गिरामी दुश्मनों को कत्ल किया। और उसके बाद दुश्मनों ने जब चारों तरफ से घेर लिया और हबीब रेगे गर्म करबला पर शहीद हुए और उनका सर कलम किया गया, तो जिसने सर कलम किया उसने पहले तो उस सर को खुद लश्करे उमर इब्ने साद में घुमाया फिराया, एक एक को दिखाया फख्र के अंदाज में कि देखो हम वो हैं कि हमने हबीब का सर कलम किया है। उसके बाद उसने अपने घोड़े की गर्दन में बांध लिया। अब बस एक फिकरा, जब 11 मुहर्रम को करबला से असीरों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ तो सारे शहदा के सर नोके नैजा पर बुलंद थे, हबीब का सर किसी नैजे पे नजर नहीं आया। तो हबीब का बेटा जिसका नाम कासिम था उसने अपने बाबा का सर तलाश करना शुरू किया और दुश्मनों की सर में दाखिल हुआ, देखा एक घोड़े में हबीब का सर बंधा हुआ है। उसने उस शख्स से जिसका वो घोड़ा था कहा यह सर किसका है तू जानता है? कहा मुझे मालूम है, यह हबीब इब्ने मज़ाहिर का है। कहा तू मुझे पहचानता है? कहा मैं नहीं पहचानता। कहा मैं हबीब का बेटा कासिम हूं, क्या यह मुमकिन है कि तू मुझे थोड़ी देर के लिए यह सर दे दे? यहां यह भी रिवायत है, बाद हजरात ने जिक्र किया है कि उसने कुछ पैसे तलब किए, इस बेटे ने पैसे दिए, बाबा का सर लाया, बाबा के सर से खून को साफ किया, जुल्फें साफ की, रीशे मुबारक साफ की, सामने रख के देर तक प्यार किया, देर तक गिरिया किया और फिर मजबूर होकर फिर सर वापस कर दिया। बाद में उसने इस कातिल से इंतकाम लिया, मगर दस्ते अदब जोड़ के बस एक जुमला कहूंगा, बाबा का सर देखकर कासिम पेशरे हबीब क्या क्या तड़पा है, क्या क्या रोया है, अब आप अंदाजा कीजिए सकीना के दिल की क्या कैफियत है। शाम तक मुसलसल के नैजा पर निगाहों के सामने बाबा का सर है, लैला के दिल की क्या कैफियत होगी, मुसलसल निगाहों के सामने अकबर का सर है, लैला के दिल की क्या कैफियत होगी, मुसलसल निगाहों के सामने आओगे वो मोहब्बत का सर।
انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. فروردگار همه علوم قرآن و معارف اهل بیت آشنا فرما. فروردگار معبود اس امت کو امت قرآن اور امت ثقلین بنا دے. فروردگار وصیت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فروردگار چراغ توحید ہمارے سینوں میں روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو علوم دنیا علوم دین میں سرشار فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں آقا حسین کے سلامی ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، انہیں خاص اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار فیضان شہادت حسینی کو عالم انسانیت کے لیے عام کر دے. پروردگار اس کو رہ عرض پر تمام انسانوں کو حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم